आपके साथ मैं हूं अनु राय। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। जी हां, इन दिनों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच जो है वो प्रशांत किशोर ने मास्टर प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस के लिए। इस बीच राहुल गांधी संग प्रशांत किशोर की कई मीटिंग भी हो रही है। वहीं प्रशांत किशोर ने अभी तक ये साफ तौर पर ऐलान नहीं किया है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए क्या रणनीति तैयार की है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले देश भर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है, जिसमें ज्यादातर नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के आने से पार्टी को फायदा होगा। इतना ही नहीं, पार्टी फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बताई गई योजना पर भी विचार विमर्श कर रही है। इसे लेकर पार्टी समिति स्तर की कई मीटिंग कर चुकी है और इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई सुझाव दिए हैं, जिन पर चर्चाएं जारी है। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हाल ही में गांधी परिवार के साथ हुई मुलाकात में किशोर ने उन्हें एक ब्लूप्रिंट दिया था। हालांकि कांग्रेस के नेता इसको लेकर पार्टी की योजना पर अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक नेता ने इस पर कहा है कि पार्टी इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 22 जुलाई को यह बैठक बुलाई थी, जिसका मुख्य एजेंडा प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें दी जाने वाली भूमिका और इससे पार्टी को होने वाले फायदे और नुकसान पर चर्चा करना था। इस मीटिंग में प्रशांत किशोर के दिए ब्लूप्रिंट को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं इन बैठकों में शामिल हुए एक नेता ने कहा है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति में शामिल होना चाहते हैं और इसके साथ साथ वह प्रबंधन और गठबंधन में भी सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं। एक अन्य नेता ने कहा है कि कांग्रेस हर चीज को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर यह एक बड़ी सूची है और फिर किशोर औपचारिक रूप से पार्टी में आना चाहते हैं, इस पर चर्चा चल रही है और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों ने कहा है कि किशोर ने सभी निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समूह बनाने का सुझाव दिया है। यह समूह सभी फैसले लेगा। वहीं इसके साथ ही राज्य और जिला समितियों को मजबूत करने का सुझाव दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस पार्टी कई बार मीटिंग कर चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता एके एंटनी इस बैठक का समन्वयन कर रहे थे। ये नेता ऐसी कम से कम 3 बैठकों में उपस्थित रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि इनमें से पहली बैठक में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदंबरम, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और एआईसीसी महासचिव पवन कुमार बंसल ने भी भाग लिया। वहीं दूसरी बैठक में राज्यसभा के कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा और एआईसीसी महासचिव हरीश रावत, कमलनाथ, रघुवीर मीना और अंबिका सोनी थे। तीसरी बैठक में प्रियंका दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर और जयराम रमेश ने भी भाग लिया। वहीं गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि वह अपनी इस भूमिका का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह अब कुछ बड़ा करने का समय है। संभावना जताई जा रही है कि वह अब सक्रिय रूप से राजनीति में आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर काफी चर्चाओं में आए। चर्चाओं के बाद प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद ये बात साफ साफ कह दी थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब रणनीति नहीं तैयार करेंगे, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर किसी पार्टी से जुड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर कई बार जो है वो राहुल गांधी का समर्थन करते दिखे हैं और इसके बीच में कई बार राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मीटिंग भी हो चुकी है। इससे पहले बता दें
कि पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान को शांत करने से पहले प्रशांत किशोर ने एक बार अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संग बैठक भी की थी। बैठक के बाद ही ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस का सियासी घमासान शांत होता दिख रहा है। वहीं बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को नए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिल चुका है, जिसके बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर की भी चुनाव में और राजनीति में एंट्री हो सकती है। वहीं 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और कोई भी कसर कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है। वहीं 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, जिसके लिए भी सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कई बार की बैठकें भी कर चुकी हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर वो लोगों से रूबरू हो रही हैं और लोगों की बातें भी सुन रही हैं। इस बीच जो है वो प्रशांत किशोर का भी इसमें अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जी हां, पंजाब कांग्रेस में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशांत किशोर ही जो है वो कांग्रेस की रणनीति तैयार करेंगे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और प्रशांत किशोर और अमरिंदर सिंह मिलकर अगले विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी करेंगे और इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। वही बता दें आपको कि कुछ दिनों पहले ही प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद संन्यास ले लिया था, लेकिन अब जो है वो प्रशांत किशोर फिर से चुनावी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए प्रशांत किशोर जो है वो पंजाब में होने वाले 2022 में चुनाव की रणनीति तैयार करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के साथ भी बैठक हो चुकी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी तक इसे सिर्फ चर्चाएं ही कह सकते हैं और कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो अभी तक इसकी कांग्रेस पार्टी ने पुष्टि की है और ना ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो कांग्रेस के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच जो है वो कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है इस पर, जिसमें कई नेता जो है वो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं और कई नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर का स्वागत भी कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।